भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर से लोगों से अनुरोध किया कि वे सरकार द्वारा जारी किए गए सुरक्षा दिशानिर्देशों का गंभीरता से पालन करें। कोहली ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्हें देशवासियों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और 21 दिन के लॉकडाउन को गंभीरता से लेने का आग्रह करते देखा जा सकता है। विराट ने ट्वीट करते हुए लिखा, कृपया वास्तविकता और स्थिति की गंभीरता के प्रति जागरें और जिम्मेदारी लें। नेशन को हमारे सपोर्ट और ईमानदारी की जरूरत है। नमस्कार, मैं विराट कोहली आज आपसे एक भारतीय खिलाड़ी के तौर पे नहीं पर एक भारतीय नागरिक के तौर पे बात कर रहा हूँ। जो कुछ मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, लोगों की भीड़ सड़कों पे, झुंड में घूमते लोग, कर्फ्यू का पालन ना करना, लॉकडाउन का पालन ना करना, ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि हम इस लड़ाई को बहुत ही साधारण तरीके से देख रहे हैं और ये लड़ाई उतनी साधारण नहीं है जितनी हम लोगों को दिखती है, हम लोगों को महसूस होती है। तो मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है आज कि प्लीज़ 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसको फॉलो करें। जो भी सरकार ने हमको डायरेक्टिव्स दिए हैं, जो भी चीज़ें करने को दी हैं, उसको प्लीज़ प्लीज़ बहुत ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। ये सोचें कि अगर आपके परिवार में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आपकी लापरवाही की वजह से तो आपको कैसा महसूस होगा। तो प्लीज़ हमारी सरकार, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय पे इस चीज़ के लिए और ये चीज़ तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब हम लोग भारतीय नागरिक होके अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएं। मस्ती मजाक करने के लिए रोडों पे निकलना, इस माहौल का फायदा उठाना मेरी नज़र में अपने देश से ईमानदारी नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ मिलकर ये चीज़ ठीक होने देखना चाहता हूँ और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि प्लीज़ जो भी सरकार हमें कह रही है करने को उस चीज़ का पूरा पालन करें। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार के खिलाफ लड़ने के लिए मंगलवार से 21 दिनों के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन की घोषणा की थी।